सभी को नमस्कार। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये कला उत्सव है। कला उत्सव और इसमें साथ में एक और दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और ये दोनों जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय एकता पर्व के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमें हर साल एक स्टेट मिलता है, पेयरिंग स्टेट। पेयरिंग स्टेट हमारा जो इस बार का वो है आंध्र प्रदेश। सो इस दो दिन के प्रोग्राम में, जो कि क्लस्टर लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारे क्लस्टर में 7 KVs हैं और इन 7 KVs को एक ही स्टेट मिला है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कल्चर, वहाँ की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वहाँ का ट्रेड, वहाँ की फोक, हर चीज़, वहाँ का रिलीजन, हर चीज़ का लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट मीन्स एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट, वो हम यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। और इस दो दिन के प्रोग्राम में हमारा कल्चरल चलेगा, जिसमें डांस है, म्यूज़िक है और इसके साथ में क्लासिकल भी है और फोक भी है, दोनों चीज़ें हम दिखाएंगे इसमें। साथ में पेंटिंग का ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा। डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स है, जिसमें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, उसकी कल्चर, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ट्रेड, एवरीथिंग वो डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके साथ में विजुअल आर्ट्स कॉम्पिटिशन है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 आइटम्स जो हम साथ में कर रहे हैं। इसका जो सोल पर्पस है वो ये है कि हम इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं, और इसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और क्या वहाँ की आप कह सकते हैं कल्चर है, मतलब वहाँ का फोक क्या है। बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन जो फोक है उससे हम कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं हो पाते हैं। तो उस फोक को दर्शाने का, वहाँ की लोकल चीज़ों को दर्शाने का, वहाँ के फूड, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा, इन सब चीज़ों को दिखाने का, और बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है जिससे वो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोर ओवर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें उनको एक अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये इस तो पूरे प्रोग्राम का जिस्ट है, जो दो दिन तक चलेगा और बच्चे हमारे यहाँ स्टे भी कर रहे हैं, तो स्टे वेन्यू भी है और हमारा स्कूल होस्ट भी कर रहा है। मैम क्या नाम है आपका? जी अनसीमा सिंह। सभी को नमस्कार। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये कला उत्सव है, कला उत्सव और इसमें साथ में एक और दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और ये दोनों जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय एकता पर्व के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमें हर साल एक स्टेट मिलता है, पेयरिंग स्टेट। पेयरिंग स्टेट हमारा जो इस बार का वो है आंध्र प्रदेश। सो इस दो दिन के प्रोग्राम में, जो कि क्लस्टर लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारे क्लस्टर में 7 KVs हैं और इन 7 KVs को एक ही स्टेट मिला है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कल्चर, वहाँ की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वहाँ का ट्रेड, वहाँ की फोक, हर चीज़, वहाँ का रिलीजन, हर चीज़ का लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट मीन्स एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट, वो हम यहाँ पर डिपिक्ट कर रहे हैं। और इस दो दिन के प्रोग्राम में हमारा कल्चरल चलेगा, जिसमें डांस है, म्यूज़िक है और इसके साथ में क्लासिकल भी है और फोक भी है, दोनों चीज़ें हम दिखाएंगे इसमें। साथ में पेंटिंग का ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा। डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स है, जिसमें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, उसकी कल्चर, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ट्रेड, एवरीथिंग वो डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके साथ में विजुअल आर्ट्स कॉम्पिटिशन है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 आइटम्स जो हम साथ में कर रहे हैं। इसका जो सोल पर्पस है वो ये है कि हम इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं, और इसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और क्या वहाँ की आप कह सकते हैं कल्चर है, मतलब वहाँ का फोक क्या है। बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन जो फोक है उससे हम कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं हो पाते हैं। तो उस फोक को दर्शाने का, वहाँ की लोकल चीज़ों को दर्शाने का, वहाँ के फूड, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा, इन सब चीज़ों को दिखाने का, और बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है जिससे वो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोर ओवर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें उनको एक अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये इस तो पूरे प्रोग्राम का जिस्ट है, जो दो दिन तक चलेगा और बच्चे हमारे यहाँ स्टे भी कर रहे हैं, तो स्टे वेन्यू भी है और हमारा स्कूल होस्ट भी कर रहा है। मैम क्या नाम है आपका? जी अनसीमा सिंह।